नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के साहिबगंज के रांगा थाना अंतर्गत हत्या का आरोपी गिरफ्तार। तालझारी गांव के कचहरी भवन के पीछे मिस्त्री मुर्मू के खेत में मार्ची टोला निवासी कॉल टूडू की पुत्री शोमी टूडू उम्र करीब 26 वर्ष का शव बरामद हुआ था। इस संदर्भ में रांगा थाना कांड संख्या 101 दिनांक 3 नवंबर 2022 के तहत अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया था। कांड के उद्भेदन एवं घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु बरहरवा SDOP प्रदीप उमराव के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। ऑडिट टीम के सदस्यों ने पेशेवर एवं तकनीकी तौर पर अनुसंधान करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए प्राथमिक अभियुक्त मंगल हरदा और संजय हरदा ग्रामवास कोला थाना रंगा जिला साहिबगंज को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी मंगल हरदा ने मृतक की चप्पल बरामद की है। अपराध स्वीकार कर बयान में घटना की संलिप्तता स्वीकार की एवं पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयोग पत्थर घटनास्थल से बरामद किया। साहिबगंज जिला ब्यूरो उज्जवल सिंह की रिपोर्ट। 2 तारीख को रंगा थाना क्षेत्र में एक महिला का क्षत विगत लाश बरामद किया गया था और शुरू में इसकी पहचान स्थापित नहीं हो पाई थी और इसके बाद इस संदर्भ में रांगा थाना कांड संख्या 101 2022 धारा 302, 201, 34 के तहत दर्ज की गई तथा इसके अनुसंधान के लिए ऑफिसर इंचार्ज रांगा SDPO बरड़वा और पुलिस निरीक्षक बरड़वा के द्वारा संयुक्त रूप से एक टीम गठित की गई थी जिसके सफल उद्भेदन के लिए और इस टीम ने बेहतरीन काम करते हुए इस कांड का सफल उद्भेदन किया तथा इस कांड में संलिप्त मंगला हांसदा जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तारी भी की है तथा उन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में स्वीकार भी किया है इस घटना को अंजाम देने के संदर्भ में और इस तरह इस टीम ने सफल उद्भेदन करते हुए हत्या जैसे केस का सफल उद्भेदन किया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी में सफलता हासिल की। ये सारी टीम बधाई के पात्र है। गिरफ्तारी के पश्चात घटना में प्रयुक्त पत्थर और पीड़िता जो मृतक थी उसका चप्पल भी उसके निशानदेही के आधार पर बरामद किया गया है। तो उसको मारने का कारण क्या था सर? मारने का इनका कारण प्रेम प्रसंग और शादी को लेकर है। जो मृतका थी वो पूर्व विवाहित थी लेकिन उसके पति से डिफरेंसेस था और इसके बाद पुनः शादी के लिए ही इस तरह की बातें थी। उम्र में छोटा होने के कारण इनके लड़की के घर वालों ने उन्हें मना कर दिया था लेकिन उसी के आगोश में फिर इसने आवेश में आकर दूसरे से बात करते हुए देखते हुए ये घटना को अंजाम दिया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रेम प्रसंग के या फिर प्रतिरोध के कारण ये घटना को अंजाम दिया।